नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा ही पूछा जाता है, जिसमें से आपको एक छोटा न्यूमेरिकल टाइप देते हैं और आपसे ट्रू बियरिंग पूछते हैं। एक इनकरेक्ट बियरिंग दी हुई होती है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया हुआ होता है और उससे आपको ट्रू बियरिंग पूछी जाती है। मैग्नेटिक बियरिंग दे देंगे और ट्रू बियरिंग आपसे पूछेंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन वो है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नॉन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। यानी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या होता है, एक ट्रू मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है और एक आर्बिट्री मेरिडियन क्या होती है। इसी तरीके से ट्रू बियरिंग क्या होती है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है और आर्बिट्री बियरिंग क्या होती है, उसका एक वीडियो मैंने अलग से बना के अपलोड कर रखा है, तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो लोग आप वीडियो जरूर जाके देखें ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक होता है ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो कहलाती है ट्रू मेरिडियन। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ क्या चीज़ है, जो नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वही कहलाएगी ट्रू नॉर्थ। और एक मैग्नेटिक नॉर्थ और एक मैग्नेटिक साउथ होता है, जो मैग्नेट को फ्री हैंग करने पे, मैग्नेट को मुक्त रूप से लटकाने पे, फ्रीली हैंग करने पे ये जिस दिशा में जाके रुकती है वो नॉर्थ और साउथ, उसको मिलाने वाली लाइन है वो कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। इस ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है वो कहलाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये जो एंगल है वो कहलाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अब ये डेक्लिनेशन इस तरफ भी हो सकता है, यानी ईस्टवर्ड, ये डेक्लिनेशन इस तरफ भी हो सकता है जो मैंने इस डायग्राम में दिखाया। इस डायग्राम में क्या है, ये मैग्नेटिक जो डेक्लिनेशन है वो इस तरफ है, वेस्ट साइड में, तो इसे अपन कहेंगे डेक्लिनेशन वेस्ट और ये डेक्लिनेशन ईस्ट, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव डेक्लिनेशन कहलाता है। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें ट्रू बियरिंग निकालनी होती है। ट्रू बियरिंग का मतलब ट्रू नॉर्थ से एंगल, या ऐसे कह सकते हैं जो ट्रू मेरिडियन है उससे एंगल। तो ये एक लाइन ए बी है, उसका आपको मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है। मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन से, ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है इससे एंगल दिया हुआ है अल्फा। लेकिन अपने को तो निकालना है ट्रू मेरिडियन से, ट्रू मेरिडियन का मतलब ये टोटल एंगल, तो ये डेक्लिनेशन थीटा प्लस अल्फा हो गया मैग्नेटिक बियरिंग, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने पास आ जाएगी ट्रू बियरिंग। ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू, ये ट्रू बियरिंग का मतलब इससे, यहाँ से लेकर, देखो कर्सर के साथ ध्यान दो, यहाँ से लेकर ये वाला, ये पूरा एंगल जो ए बी का है वो कहलाएगा मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ क्या हो गया, थीटा, और दूसरा है डेक्लिनेशन। डेक्लिनेशन मैग्नेटिक बियरिंग यहाँ पे अल्फा हो गया और डेक्लिनेशन क्या है, थीटा। मैग्नेटिक बियरिंग हो गया अल्फा और डेक्लिनेशन हो गया थीटा, तो ट्रू बियरिंग ये टोटल, यानी थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐड हो गया। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे डेक्लिनेशन वेस्ट, वेस्ट की तरफ डेक्लिनेशन जब है इस तरफ, ये थीटा है और टोटल अपनी मैग्नेटिक बियरिंग है वो अल्फा है। तो मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन से, ये मैग्नेटिक लाइन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इससे ए बी का जो एंगल है वो अपने अल्फा है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक, ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन, इस मैग्नेटिक मेरिडियन से जो लाइन का कोण है, जो एंगल है, वो कहलाएगा मैग्नेटिक बियरिंग, ये वाला चुंबकीय दिक्पात, मैग्नेटिक बियरिंग। ये चुंबकीय दिक्पात ये हो गया मैग्नेटिक बियरिंग, ये हो गया अल्फा चुंबकीय दिक्पात। अब ये चुंबकीय दिक्पात अपना अल्फा है और जो ये डेक्लिनेशन है ये अपना थीटा वेस्ट की साइड में दिया हुआ है, ये वेस्ट की साइड में, क्योंकि ये रहा ट्रू नॉर्थ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इसके बीच का जो यथार्थ यामोतर और चुंबकीय यामोतर के बीच का जो कोण होता है वही कहलाता है डेक्लिनेशन, चुंबकीय डेक्लिनेशन। तो अब अपने को ये निकालना है इनके बीच का एंगल, ट्रू नॉर्थ और ए बी के बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, टोटल अल्फा, अल्फा में से ये थीटा घटा देंगे, यानी टोटल जो मैग्नेटिक बियरिंग है उसमें से क्या कर दिया, डेक्लिनेशन। क्यों, क्योंकि ये इस थीटा को माइनस करेंगे तभी ये पीछे एंगल बचा हुआ एंगल आएगा, वो अपने ट्रू नॉर्थ से होगा और उसी को अपन कहते हैं ट्रू बियरिंग। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डेक्लिनेशन, यानी अल्फा
माइनस थीटा। अल्फा क्या था? मैग्नेटिक बियरिंग, और थीटा क्या चीज़ है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन का ये वेस्ट की तरफ है इसलिए यहाँ माइनस, इसलिए इसको नेगेटिव डेक्लिनेशन भी बोलते हैं जो वेस्ट साइड में होता है, और जो ईस्ट साइड में होता है उसे अपन पॉजिटिव डेक्लिनेशन भी कहते हैं। अब अपन चलते हैं यहाँ के इसका एक एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा, किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे आप उसको सोल्व करोगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। यानी मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी, ए बी का चुंबकीय दिक्पात है वो इतना है, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये जो चीज़ लिखी है ये कहलाती है रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग। ये रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है और एक होल सर्किल बियरिंग क्या होती है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप लोग इसको जाके पहले देख सकते हो। तो ये साउथ 38 डिग्री और 30 मिनट वेस्ट। अब है डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज, डिटरमाइन द ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज। यानी आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है यदि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दिया हुआ है, तो जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो आपको दिया हुआ है 4 डिग्री 30 मिनट, 4 डिग्री 30 मिनट और वेस्ट की तरफ, ये डायग्राम से यहाँ दिया हुआ, तो 4 डिग्री वेस्ट की तरफ, ये अपना ट्रू नॉर्थ हो गया और ये 4 डिग्री वेस्ट की तरफ ये इस तरीके से, तो ये अपने बना दी मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का मतलब क्या हो गया? ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन, यानी यथार्थ यामोतर और चुंबकीय यामोतर के मध्य बनने वाला कोण, वही कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ट्रू नॉर्थ या ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बनने वाला एंगल, वही कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये वेस्ट की तरफ है 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, तो ये 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट बना दिया, ये लाइन बना दिया। अब अपने देखेंगे कि जो बियरिंग दी हुई है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन, यानी जो अल्फा एक तरह से दिया हुआ है, वो किस रूप में दिया हुआ है? वो क्वाड्रेंटल या रिड्यूस बियरिंग के रूप में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये रहा, ये साउथ और वेस्ट की तरफ है, तो ये वेस्ट की तरफ, और कितना एंगल दिया हुआ है? 38 डिग्री 30 मिनट। यानी ये कोण यहाँ से, इस साउथ से लेके और इस रेखा का ये जो कोण है, ये अपने को दिया हुआ है 38 डिग्री 30 मिनट। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? यहाँ से जो मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है, तो ये मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक लाइन कौन सी? अपनी MS, ये रही मैग्नेटिक साउथ, उससे ये एंगल दिया हुआ है। टोटल एंगल जो है वो दिया हुआ है 38 डिग्री 30 मिनट, ये टोटल एंगल दिया हुआ है साउथ से, क्योंकि अपने को दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है मैग्नेटिक बियरिंग, तो मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई, तो मैग्नेटिक बियरिंग होती है मैग्नेटिक, जो अपने पास मेरिडियन होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय या मोतर, उससे एंगल, तो उससे ये पूरा एंगल दिया हुआ है। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग चाहिए। ट्रू बियरिंग कहाँ से होगी? ट्रू साउथ से या ट्रू नॉर्थ से, जिसको अपन कहते हैं ट्रू मेरिडियन, यथार्थ या मोतर से, ये अपने को निकालना है। तो इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कैसे आएगा? ये दिया हुआ है वेस्ट की तरफ इतना डिग्री है, तो 4 डिग्री 30 मिनट, ये 4 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी कितना होगा? 4 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि आमने सामने के कोण है, तो ये 4 डिग्री 30 मिनट, ये भी 4 डिग्री 30 मिनट। यानी इसमें से 38 डिग्री 30 मिनट से अपन ने क्या कर दिया? उसको माइनस, तो 38 साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, उसमें से क्या कर दिया? माइनस 4 डिग्री 30 मिनट, तो ये बच गया 34 डिग्री वेस्ट, यानी 34 डिग्री वेस्ट, 34 डिग्री वेस्ट आ जाएगा। तो पहला केस अपन ने कर दिया, ये 4 डिग्री 30 मिनट वेस्ट जब दिया हुआ था डेक्लिनेशन, तो अपन ने निकाल दिया ट्रू बियरिंग। दूसरा केस, 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ हो, अगर 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की तरफ हो तो क्या करेंगे? तो दूसरा केस ये रहा, ये अपनी ट्रू मेरिडियन यथार्थ यामोतर, और ये अपने चुंबकीय यामोतर, और चुंबकीय यामोतर में क्या दिया हुआ? यहाँ से 3 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन 3 डिग्री 30 मिनट का डेक्लिनेशन है, और किस तरफ है 3 डिग्री 30 मिनट का डेक्लिनेशन? ईस्ट की तरफ। तो 3 डिग्री 30 मिनट का डेक्लिनेशन अपन ने बना दिया ईस्ट की तरफ, और अपने को वही लाइन, लाइन ए बी की बियरिंग, तो वही है मैग्नेटिक बियरिंग, ये रही मैग्नेटिक बियरिंग साउथ। अब मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी? इससे मैग्नेटिक से होगी, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी से मैग्नेटिक बियरिंग होती, चुंबकीय दिक्पात जो है वो चुंबकीय यामोतर से होता है, तो ये वाला, ये चुंबकीय यामोतर से चुंबकीय दिक्पात हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन से मैग्नेटिक बियरिंग हो गई, 38 डिग्री 30 मिनट, ये दिया हुआ। अब ये 3 डिग्री 30 मिनट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री 30 मिनट कौन? आमने सामने के कौन? अपने को क्या चाहिए अब? ट्रू मेरिडियन या ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग जो होती है
वो ट्रू मेरिडियन से होती है, ट्रू मेरिडियन से यानी इससे, इस ट्रू मेरिडियन से ये पूरा एंगल चाहिए। अब क्या हो जाएगा, 38 डिग्री 30 मिनट में ये अपने प्लस हो जाएगा, तो ये 38 डिग्री 30 मिनट में ये प्लस हो गया, तो साउथ 42 डिग्री वेस्ट आ गया। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे जो है बियरिंग, ट्रू बियरिंग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक बियरिंग से, जब अपने पास मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया हो। आपसे इसमें क्वेश्चन और किस टाइप से पूछ सकते हैं, आपसे इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे आपसे ट्रू बियरिंग, जैसे ये ट्रू बियरिंग यहाँ पूछी है, ये दे दिया मैग्नेटिक बियरिंग दे दिया, आपसे क्या पूछेंगे, डिक्लिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर ट्रू बियरिंग दे के मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे के और मैग्नेटिक बियरिंग पूछ सकते हैं। जैसे अभी अपने से ट्रू बियरिंग पूछा, वैसे आपसे मैग्नेटिक बियरिंग पूछ सकते हैं, ट्रू बियरिंग दे के और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे के। इसी तरीके से ये दोनों दे के और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल अगर आपको ये डायग्राम बनाना और एंगल दिखाना आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और बहुत आसान चीज़ है, कुछ नहीं, ऐसे बनाओ, नॉर्थ साउथ बनाओ पहले ट्रू वाले, उसको कहते हैं ट्रू मेरिडियन, वो बनाया नॉर्थ साउथ, उसके बाद बनाओ मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ बनाना है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ कैसे बनाएंगे, आपको डिक्लिनेशन दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग, डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ दिया हुआ है तो मैग्नेट को ऐसे बना दो, डिक्लिनेशन वेस्ट की तरफ दिया हुआ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन को ऐसे बना दो, बस ये बन गया। उसके बाद लाइन बनानी है, लाइन के लिए देखो आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है, तो जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, उससे एंगल बना दो, और अगर आपको मैग्नेटिक बियरिंग नहीं देखे, ट्रू बियरिंग दी हुई है, तो एंगल कहाँ से बना दो, ट्रू बियरिंग से। इस तरीके से अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप इस तरीके से जो मैंने बताया कि इस तरीके से आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से आप प्रैक्टिस करो थोड़ा सा इसको, कि आपको ये दोनों चीज़ दी हुई है, ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग, या डिक्लिनेशन पूछा है या डिक्लिनेशन दिया है, और इन दोनों में से कुछ भी पूछा है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए 5-7 क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो तो इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना, वापस से देख लेना, रिपीट करके धीरे करके उसको देखना, अच्छे से रोक के, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगला चैप्टर जो है, अगला नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो अपने निकालेंगे जो है लोकल अट्रैक्शन के बारे में। मैंने बना रखा है यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, और उस लोकल अट्रैक्शन को कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, किन कारणों से आता है, और किस तरीके से अपन उसको रिमूव करते हैं, किस तरीके से हटाते हैं। धन्यवाद पूरा देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और उनको भी बताइए।